मैं हूं गरिमा और मेरी आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ आईलाइनर स्टाइल्स शेयर करूंगी। इन आईलाइनर स्टाइल्स को आप आसानी से क्रिएट कर सकती हो। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को देखते हैं। इस आईलाइनर स्टाइल के लिए आपने सिंपल गोल्ड आईलाइनर को लेके इस तरह से लाइंस को बनाना है। आपने सेंटर में से स्टार्ट करना है, फिर लास्ट तक जाना है। आप चाहो तो डॉट्स भी बना सकते हो। इस आईलाइनर स्टाइल को बनाने के लिए सबसे पहले आपने सिंपल आईलाइनर को बनाना है। उसके बाद नीचे वाली लैशेस से आपने इस तरह से सीधी लाइन बनानी है। उसके बाद आपने इसे लाइनर्स के साथ जोड़ते हुए फिल कर देना है। ये आईलाइनर स्टाइल कीर्ति सनून एक्टर्स के मेकअप से इंस्पायर्ड है। इसको बनाने के लिए आपने विंग आईलाइनर के ऊपर सीधी लाइन बनानी है। आपने इस लाइन को थोड़ा सा विंग आईलाइनर के बीच में रखनी है और थोड़ी सी बाहर रखनी है और आप इसे अच्छे से आईलाइनर से फिल कर लें। जिस तरह मैं इसे वीडियो में फिल कर रही हूँ आपने उसी तरह से फिल करना है। आप चाहो तो ग्लिटर आई शेडो का भी इस्तेमाल कर सकती हो। अब आप देख सकती हो जो हमने ग्लिटर आईलाइनर से लाइन बनाई है उसमें अच्छे से फिनिशिंग आ गई है। अब हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। अब नीचे मैं काजल की जगह हाफ जगह पे ग्लिटर आईलाइनर लगाऊंगी। ग्लिटर आईलाइनर लगाने के बाद मैं ब्लैक आईलाइनर से इस काजल को कंप्लीट करूंगी। अब ये आईलाइनर लुक पूरी तरह से तैयार है। इस आईलाइनर स्टाइल के लिए सबसे पहले आपने सिंपल आईलाइनर लगाना है, फिर आप कोई भी गोल्ड सिल्वर या कलरफुल आईलाइनर लें और उसके साथ सेंटर में से ब्लैक आईलाइनर के ऊपर इस तरह से पतली लाइन बनाएं। मेरे आईलाइनर की पिगमेंटेशन थोड़ी सी कम है इसलिए मैं इसे 2 से 3 बार लगा रही हूँ। अब मैं इसे स्टार्टिंग से लगा के पीछे वाली लाइन से मिला लूँगी। नेक्स्ट आईलाइनर लुक के लिए आपने नीचे वाली लैशेस से सीधी लाइन बनानी है। उसके बाद आपने पहली वाली लाइन को इसे इस तरह से मिला देना है। आप चाहो तो इस विंग को लंबा भी कर सकते हो। आप चाहो तो इसे ऐसे भी छोड़ सकते हो, पर मैं इस विंग को गोल्ड आईलाइनर से आउटलाइन कर लूंगी। मुझे ये आईलाइनर स्टाइल बहुत ही ज्यादा पसंद है। आप इसे कोई भी पार्टी पे किसी भी आउटफिट के साथ ट्राई कर सकती हो। इस आईलाइनर स्टाइल के लिए आपने लैशेस के ओनली हाफ एरिया पे गोल्ड आईलाइनर लगाना है। मेरे आईलाइनर की पिगमेंटेशन थोड़ी सी कम है इसीलिए मैं इसे बार बार लगा रही हूँ। अब जहाँ पे आपने ग्लिटर आईलाइनर को हाफ में छोड़ा था वहाँ से आप ब्लैक आईलाइनर को लगाना स्टार्ट कर लें। ब्लैक आईलाइनर को भी आप उतना ही मोटा रखें जितना आपने ग्लिटर आईलाइनर को रखा। अब ब्लैक और गोल्ड आईलाइनर को अच्छे से फिल करते हुए इस तरह से उसे फिनिशिंग दें। अब ये आईलाइनर स्टाइल बिल्कुल तैयार हो चुका है। इस आईलाइनर स्टाइल के लिए आपने अपने विंग आईलाइनर को गोल्ड आईलाइनर से सबसे पहले आउटलाइन करना है। आपने लास्ट में से विंग को इस तरह से गोल्ड आईलाइनर से आउटलाइन करना है।
अब आपने ग्लिटर आईलाइनर को विंग आईलाइनर के बीच में से इस तरह से निकालते हुए एक लाइन बनानी है। इस लाइन को आप एक या दो बार बना सकती हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है आपको कितना बोल्ड लुक चाहिए। ये आईलाइनर लुक पार्टीज के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपके लिए वीडियो सच में हेल्पफुल रही है तो जरूर आप इसे लाइक कीजिए। ऐसा करने से मैं आपके लिए और वीडियोस लेके आऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस बटन को क्लिक करके। जल्द ही मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।